आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। सीबीएसई नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन दिनांक 16/11/2019 शनिवार को रघुवंश पब्लिक स्कूल सेंधवा में दिनांक 12/11/2019 से चल रही सीबीएसई नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता सांस्कृतिक पूर्ण वातावरण में देश की बहुरंगी संस्कृतियों पर आधारित नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हुए भव्य समारोह के बीच समापन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र मोतियानी जी, श्री अजय मित्तल, श्री अजय झंवर, श्री एस एन वर्मा, डीआईजी निमाड़ रेंज द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा विजय खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा अपना उद्बोधन में इस प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु रघुवंशी पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए बाहर से आए सभी खिलाड़ियों के अनुशासन और खेल भावना से खेलों में सहभागिता हेतु धन्यवाद प्रदान किया गया। खेले गए प्रमुख फाइनल मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। अंडर 19 बालक वर्ग केशव पब्लिक स्कूल दिरभा और लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली विजेता और केशव पब्लिक स्कूल दिरभा उप विजेता रहा। वहाँ अंडर 18 बालक वर्ग का परिणाम लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली और एडवांस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल होसूर के बीच खेला गया, जिसमें लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली विजेता तथा एडवांस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल होसूर उप विजेता रही। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में निशान अकेदमी मकसूर एवं मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे के बीच खेला गया, जिसमें मिलेनियम नेशनल स्कूल पुणे रही। अंडर 17 बालिका वर्ग के मैच में मोतीलाल नेहरू स्कूल हरियाणा और BGS बेंगलोर के बीच खेला गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू हरियाणा दिल्ली विजेता रही है। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य महोदय द्वारा सभी खिलाड़ी और कोच, विद्यालय स्टाफ, संस्था के विद्यार्थी और अभिभावकों को, पुलिस प्रशासन आदि सभी को कार्यक्रम को सफल आयोजन में सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया गया। आप खेल को देखते हैं तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि खेल एकमात्र ऐसी विधा है जो एक साथ मिलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए होती है। और इस खेल में जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलकर के खेलते हैं, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा को लगाते हैं एक रचनात्मक दिशा में, और यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर केवल एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और कोई भी खेले वो जीते या हारे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसा खेला है ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक जीवन जीने की कला है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो आप देखिएगा जीवन में कभी भी हार या जीत से विचलित नहीं होते, और ये सीख यदि हम सब अपने जीवन में अपना लें कि हमें तो बस अच्छा करना है, द बेस्ट करना है, तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। रघुवंश परिसर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन निमाड़ के एक छोटे से गाँव में किया गया है, उसको लेकर ये तो बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही गौरव का विषय है सेंधवा वालों के लिए, बड़वानी वालों के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी, और इनफैक्ट देश के लिए भी, कि जो ऐसे तहसील के हेडक्वार्टर से वहाँ पर भी इतनी सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग भी इतने जागरूक हैं और वहाँ के लोग भी देश के निर्माण में इतना सहयोग कर रहे हैं, और इसी चीज़ की आज हमारे देश को आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मैं इन्हें साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ईश्वर इन्हें बहुत शक्ति दे, बहुत ऊर्जा दे कि इसी दिशा में और आगे अच्छा काम करें। विजेता टीमों के लिए कहिए, विजेता टीमों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी विजय मिलती है आपको और अधिक संयमित होने की आवश्यकता होती है, और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और वो विजय आपके सिर पर न चढ़े ये देखने की आवश्यकता।